रोटी आई को सोचता हो तैयारी करके जावा। बहमान ना करी होगी इतनी कोई नहीं करके होगा और ना किसी ने करी होगी। इतनी क्या तैयारी करी थी जी करा जवानू यार सब दिन जुटिया रह करता दोनों टीम की घर का पुआ करता रोटी पड़ोसिया का जाके हूँ मदद कराया करता दिन में भी दोपहर हूँ सोन का राम का टेम पर लग गया रहता चून में और फिर भी फैल हो गया रोटी पड़ोसिया तक की रोटी पहुंची और फिर भी बैर कर दिया। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई का? पवन नाम है भाई। कौन सा गांव है? गांव मंगाली भाई। अपना CISF के फिजिकल चल रहे हैं, कै बजे इंट्री हुई थी अपनी? इंट्री भाई पूरा 6 बजे पूछे थे, पूछ दे मतलब शुरू हो रही थी पहला थे। मतलब 6 बजे से पहले भी इंट्री शुरू कर दे? कोई टाइम नहीं है, 5:30 बजे आओ इंट्री शुरू पाओगी। और डॉक्यूमेंट्स में मतलब पहली स्टेज बोला तो डॉक्यूमेंट्स के कागज चाहिए? डॉक्यूमेंट ये है भाई 10वीं की डोमोसाइल हो गया, जो SC ST OBC था उसका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कैसे साल पुराना होना चाहिए? डोमिसाइल भाई मेरा 6 साल पुराना था फिर भी चल गया था। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं डोमिसाइल। फिर अगला स्टेप पर के रहा है फिजिकल मतलब इंट्री करा तो अगला स्टेप यो है भाई एक फॉर्म भराओगे। फॉर्म भराने के बाद आपका PST होगा, हाइट होगी, उसके बाद आपकी चेस्ट वजन जो हाइट कितनी महंगी इसमें? हाइट 170 है भाई। 170 है? 169.5 का कुकर चाहेगा? कुकर रहा है थोड़ा घना? बहुत घने रहा है भाई। कितने के बाल मतलब पॉइंट आता रहने लग रहे 169.5 पे 169.6 पे 7 पे रहने लग रहे बाल। फिर वेट वाट का भी कितने चक्कर हुआ है? ना वेट में कोई नहीं रहता, नॉर्मल 50 किलो। फिजिकल में रेस रास कितनी की है? रेस भाई नॉर्मल है 1600 मीटर है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में रवा है कि बाड़क इसमें भी कुकर के? उसमें कोई मतलब 30 बाड़क का बैच बजाओ है जिसमें था 5-6 बाड़क रहा है बाकी सब कर जाए। 30-30 के ग्रुप आज है? हाँ 5-6 बाड़क रहा है। नू भी होगा कि ग्राउंड ग्राउंड पक्का कुकर के पक्का कच्चा कुकर के? ना ग्राउंड को नहीं जुकर पक्का 800 मीटर जाना है और ओडा था टोकन लेके वापस आना उल्टा। टोकन मिला 800 मीटर पे? हाँ। तो अगला स्टेप के रहा भाई फिजिकल पास? अगला स्टेप यो है भाई उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग जाए है और उसके बाद सीधा फिर ट्रेड टेस्ट है भाई। ट्रेड टेस्ट अपना के था? ट्रेड टेस्ट आप ही डिस्क्वालीफाई है भाई। के क्या में था के कुछ? अपना बोर्डा है 3 चीज बनवाई थी, रोटी सब्जी। कुक में था के था? हाँ कुक में, रोटी सब्जी और आमलेट। चिकन चाकन का कहाँ है उनका? चिकन बनवाओ है, चिकन बनाना को नहीं आता कि भाई कुकर के? ना भाई चिकन चाकन की टेंशन ना लियो, जे चिकन का कोई दिक्कत नहीं खेदड़ में कि इबलक कोई बंदा ने चिकन नहीं बनाया ना, ना। एक रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है थोड़ी, जिसमें एक आलू मिलेगा, एक प्याज, एक टमाटर। अपनी मर्जी की सब्जी बनानी है कोई भी बनाओ? ना ना मर्जी की कोनी, सिर्फ आलू मिलेगा, प्याज, टमाटर हो किस डाल मतलब बंदा यूज करे उस पर डिपेंड है। मतलब एक अंडा मिलेगा बस उसमें सारा सौदा बनाना है उसने। आमलेट भी बनाए इसके उसमें? आमलेट बनानी है तो मतलब रोटी सब्जी मांस सब्जी देंगे आलू दे देंगे और दूसरी? आलू हो गया, प्याज, मिर्च, नॉर्मल ये चीज है चीज़ होंगे। इस तो के कुछ बनाया इसका ऊपर डिपेंड है बस उससे ऊपर डिपेंड है। आलू हो गया, प्याज, टमाटर, एक मिर्च हो जाएगी, उसमें एक अंडा मिल जाएगा, बाकी मसाले धरे रहा है, थोड़ी सब्जी हो जाएगी उसमें तो एक आमलेट बनाई जाएगी। एक आधे भाई हैं कमेंट है उनको रोटी जमा गोल मांगा, रोटी गोल होनी चाहिए? ना भाई कोई चक्कर नहीं, मतलब रोटी के है जुकर गोल तो मारी भी थी फिर रिजेक्ट हो गए। के रीजन है रोटी का? नुए है जुकर एक तो आप ये चून वो गुत्था ना उसने वो बढ़िया नरम होना चाहिए, नरम होगा ना रोटी का बढ़िया फुलावा होगा मतलब तैयारी नहीं कर रखी थी? रोटियां की तैयारी फुल कर रखी थी भाई आपने पहला अगर आप रोटी जमा कदी 10 दिन जमा रगड़ के जमा गोड़ बना बना मारा दे फिर भी बराने के था चल हो गए कोई दिक्कत नहीं। राम राम भाई। अपना क्या नाम है? नीरज नाम भाई। नीरज कौन सा काम था? रोध हूँ भाई। रोध? हाँ हिसार में ना ये जज्जर में। जज्जर में क्या कुछ है अपना? अपना भाई ट्रेड टेस्ट में काट दिया। ट्रेड टेस्ट केक था अपना? आओ कुक में था? कुक में था भाई। कुक में केक तो क्या मर रहा? मेरी तो सब्जी बढ़िया नहीं बनी भाई ओमलेट पर रोटी सब्जी में बैरान लग रही। रोटी भी बढ़िया बना दी, एक का रोटी बनवा में है, ओमलेट भी बढ़िया बना दी, सब्जी थोड़ी काची रह गई थी मेरी। और आगे के कुछ रहा आगे मतलब? मैं बताना चाहूँ भाई टोटल 25 बंदे थे जिसमें था सिर्फ 3 डिस्क्वालीफाई हुए हम। 25 में तो 3 बाल है रोटी सब्जी। और बात है जुकर अगले बच्चा ने कहा कि हम तैयारी करके आओ तो अगर मेरे हिसाब से लाऊं मैं कोई फायदा नहीं तैयारी करेगा। क्यों?
क्योंकि जो भी मतलब बालक पास हो या किसी ना किसी किसी चीज की नॉलेज कौन थी। हाँ यह बात है, सब मतलब ग्रुप में मन्ना खुद ना पूछा थे नू या चीज कुकर बनाया करा, रोटी कुकर बनाया करा, सब मतलब मेरे को बुझा था यार मैं बताऊं था उन्होंने, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा, जो और वो बाकी और सब कहने का मतलब गुरु तो बाहर हो यार, चेले पास हो गए। बात यह है यार नू की नू बनी है। और आगे के कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुआ, जिसका ये ST SC OBC है, कास्ट का होना चाहिए, ज्यादा पुराना ना हो 3 साल तक, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है यार, बालक जाने ही इतनी दो। और भाई, और भाई है ना, किस चीज का बारे में बताना चाहोगे भाई, इस चीज का ध्यान रखियो कि मैं और भी बात हूँ अंदर की जो भाई फिजिकल की बताऊं, फिजिकल में सबसे ज्यादा हाइट है और चेस्ट में बाहर आ बालक, चेस्ट का क्या कुछ है, चेस्ट कितनी मांग, चेस्ट में भाई फुल देना बालक का, कितनी अरे चेस्ट कितनी ऊँ, चेस्ट 80-85 मांगा है, लेकिन कहिया की ऊँ कम पा जाए है, 80 भी ना पा दे, और कहिया की ऊँ 80 पा जाए है, लेकिन उन पर फुल देना, फुलाओ में भी बाहर लिखना है, फुलाओ में बाहर लिखना है, और हाइट में सबसे ज्यादा हाइट में और चेस्ट में बाहर लिखना है, फिजिकल मनु है 4-5 यो आंकड़ा रहा बड़का का 30 का ग्रुप में। चलो भाई, और अंदर की कोई और बात हो कि मैं और जानकारी हो, अंदर की यह है भाई ट्रेड टेस्ट है, लेकिन बिल्कुल है नॉर्मल आसान है, बिल्कुल लगी यह चीज जिसमें बैर हुआ यहाँ पे, लेकिन आप ही कहा आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो तो भाई, किसे भाई ने कुछ और पूछना तो मड्डू खटखड़ 13-22 का नाम तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, और पर्सनल मैसेज कर सको। जयंत जय भारत, वंदे मातरम।